100 साल के सबसे भीषण बाढ़ की वजह से पिछले साल प्रभावित हुए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक बड़ी राहत की खबर लेकर आई है। इस राहत के तहत केंद्र न सिर्फ बाढ़ में टूटे लोगों के आशियानों को खड़ा करने में मदद करेगा, बल्कि सड़क और पर्यटक स्थलों के पुनर्निर्माण के अलावा अनाज खरीद तक के लिए भी राज्य को मदद देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हुए इस फैसले के तहत बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद और आपदा में तबाह आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए इस साल दिए जाएंगे। यानी बाढ़ राहत के मद में केंद्र से राज्य को करीब 5000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें अब तक 2602 करोड़ रुपए राज्य को दिए जा चुके हैं, तो अभी 2437 करोड़ रुपए इस साल देने का ऐलान किया गया है। लार्जर डेवलपमेंटल प्लान है, स्टेट के संबंध में स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठकर हम लोग डिस्कस करेंगे और सेंटर को उसके ऊपर में पूरा स्टडी करके पावर सेक्टर, हाईवे सेक्टर, टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, इस सब के संबंध में जो कुछ स्कीम हम लोगों ने टेंटेटिवली अनाउंस की हुई हैं, कुछ और हो सकती हैं, उसके संबंध में सीईओ नीति आयोग और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी अभी राज्य का दौरा करके अपने पूरे सुझाव केंद्र को देंगे। दरअसल बाढ़ के फौरन बाद प्रधानमंत्री ने राज्य को 1000 करोड़ रुपए की विशेष मदद के अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 770 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया था। इसके बाद इस साल फरवरी में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष और राज्य आपदा राहत कोष के तहत राज्य को 1602 करोड़ रुपए की मदद दी गई। मंगलवार को सरकार ने 1667 करोड़ रुपए राज्य को देने का ऐलान किया है। सरकार के ताजा फैसले के तहत जम्मू श्रीनगर राजमार्ग की मरम्मत की जाएगी तो बीपीएल की दर पर राज्य को अनाज की अतिरिक्त खेप भी दी जाएगी। 75,000 कच्चे और छोटे मकानों के निर्माण के लिए आर्थिक मदद के साथ साथ 12 पर्यटक स्थलों को सवारने के लिए भी मदद देने का ऐलान इस पैकेज में शामिल है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राज्य में सुरक्षा स्थिति पिछले एक साल में काफी बेहतर हुआ है, जिससे विकास को गति मिली है। जम्मू कश्मीर के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहां की सिक्योरिटी सिचुएशन में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है और लेवल ऑफ वायलेंस इसमें भी काफी डिक्लाइन है। और इतना ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि टेरर इंसिडेंट्स इसमें भी 25% का फॉल इधर हुआ है। राज्य ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि विकास के सतत प्रक्रिया की एक अहम शुरुआत है। व्हाटएवर एलोकेशंस आर हैपनिंग, देयर आर इयरमार्क्ड रिसोर्सेस एंड फाइनेंसिंग फॉर इट, व्हिच हैजंट हैपेंड अर्लियर। सो इन सम वेज दिस विल बी अ फुल्ली फंडेड प्लान which has two components, the short-term immediate relief measures and the long-term development initiative, which we are going to jointly work with the central government. कि ना केवल आर्थिक सहायता वहाँ देने का काम किया भारत सरकार की ओर से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं, बल्कि वहाँ पर जाकर के उन लोगों के बीच उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया, ये अपने में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है। जम्मू कश्मीर में दीर्घकालीन विकास योजनाओं को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों की जरूरत जानने के मकसद से केंद्र जल्दी ही नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टीम भी वहां भेजेगा। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर को केंद्र से मिली ये मदद न सिर्फ पिछले साल की आपदा से उबरने में मदद करेगी, बल्कि राज्य में विकास की एक नई इबारत भी लिखी जा सकेगी। सुधीर कुमार के साथ सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली।